फ्रेंड्स, वंस अगेन आई आशुतोष शुक्ला वेलकम यू ऑल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, जो आपके बायोफार्मास्यूटिक्स का यूनिट फर्स्ट का पार्ट है और ये आपके थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर के सिलेबस में है। तो हम लोग देखते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे नाम ही दिया हुआ है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, और आप लोग को सबको मालूम है कि डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को बांटना। तो यहाँ पे ड्रग हमारी ड्रग के बांटने का जो काम है उसे हम क्या कहते हैं, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब देखते हैं कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसमें कैसे होता है ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब कोई भी ड्रग हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुँच जाती है, बस सबसे पहले हम ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि ड्रग हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंचती है। यानी एब्जॉर्प्शन की डिफिनेशन आपको सबको पता होगी कि मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। यानी ड्रग हमारी, जब हम ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब ड्रग हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन के बाद जो दूसरी प्रोसेस होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले जब हमारी ड्रग ब्लड में पहुंच जाती है, ब्लड में पहुंचने के बाद उसमें जो प्रोसेस होती है, ड्रग के साथ जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं डिस्पोजिशन प्रोसेस। डिस्पोजिशन प्रोसेस ये एक कंबाइंड प्रोसेस होती है जो कि दो प्रोसेस से मिल के बनी होती है। पहला होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड दूसरा इलिमिनेशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन और इलिमिनेशन जो मिल के ये बनाते हैं डिस्पोजिशन प्रोसेस। और डिस्पोजिशन में, जैसा कि नाम में दिया हुआ है डिस्पोजिशन, यहाँ पे ड्रग की पोजिशनिंग में चेंज होता है, ड्रग की पोजिशन में चेंज होता है। तो ड्रग की पोजिशन में चेंज होने का मतलब ड्रग हमारी अभी प्रेजेंट थी ब्लड में, अब वो किसी दूसरी जगह पहुँचेगी, तो उसके जो पोजिशन में चेंज हुआ, तो जो दूसरी जगह ड्रग हमारी पहुँचेगी इसी को क्या कहा जाता है, डिस्पोजिशन या डिस्ट्रीब्यूशन। अब फर्दर इलिमिनेशन भी एक कंबाइंड प्रोसेस होती है, ये मिलके बनती है मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन से। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन की डिफिनीशन क्या है इसके बारे में देखते हैं। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ये एक रिवर्सिबल ट्रांसफर, इसमें क्या होता है, ड्रग का रिवर्सिबल ट्रांसफ़र होता है बिटवीन टू कंपार्टमेंट, जिसमें कि एक कंपार्टमेंट होता है आपका ब्लड और दूसरा कंपार्टमेंट होता है एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज जहाँ की साइट ऑफ एक्शन प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे ड्रग रिसेप्टर से बाइंड होके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, जहां पे ड्रग का रिवर्सिबल ट्रांसफर होता है बिटवीन टू कंपार्टमेंट, वन कंपार्टमेंट इज ब्लड एंड अनदर कंपार्टमेंट इज एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज। कंपार्टमेंट क्या होते हैं, हमारी बॉडी को कंसीडर किया जाता है कि इसमें डिफरेंट फिजियोलॉजिकल कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो ड्रग का जो ट्रांसफर होता है एक कंपार्टमेंट से ब्लड दूसरे कंपार्टमेंट में, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें आपका वन कंपार्टमेंट होगा ब्लड, जो कि हमेशा वन कंपार्टमेंट आपका ब्लड ही रहेगा, और दूसरा कंपार्टमेंट होगा एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ये एक पैसिव प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए या इस प्रोसेस को कराने के लिए जो फोर्स इन्वॉल्व होता है वो होता है, जो ड्राइविंग फोर्स लगता है वो होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द ब्लड एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यूज। दो कंपार्टमेंट के बीच का जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन में एज अ ड्राइविंग फोर्स काम करता है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन द कंसंट्रेशन, तो यहाँ ब्लड और एक्स्ट्रावेस्कुलर टिश्यूज के बीच में जो कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है वही यहाँ पे एज अ ड्राइविंग फोर्स वर्क करता है। और डिस्ट्रीब्यूशन ये पैसिव प्रोसेस होती है। तो पैसिव प्रोसेस क्या होती है, आप सबको पता होगा कि पैसिव प्रोसेस में जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे ब्लड में हमारी अभी ड्रग, जब डिस्ट्रीब्यूशन के पहले हमारी ड्रग कहाँ पर प्रेजेंट थी, ब्लड में प्रेजेंट थी, तो हायर कंसंट्रेशन ड्रग का कहाँ पे है, ब्लड में है। अब ब्लड से ड्रग हमारी जा रही एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज में, जो ट्रांसफ़र हो रहा है ड्रग का वो हो रहा है ब्लड से
एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज में। तो हायर कंसंट्रेशन ब्लड का ड्रग का ब्लड में है और लोअर यहाँ एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज में ड्रग नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ड्रग का क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे ड्रग जो, इसीलिए इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहते हैं, पैसिव प्रोसेस। इसमें ड्रग का जो मूवमेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। तो ये ड्रग की डिफिनीशन हो गई। ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये एक रिवर्सिबल ट्रांसफ़र होता है, जहाँ से ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या ट्रांसफ़र होता है वो बिटवीन टू कंपार्टमेंट, वन कंपार्टमेंट इज़ ब्लड एंड अनदर कंपार्टमेंट इज एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू। और डिस्ट्रीब्यूशन एक पैसिव प्रोसेस होती है जिसमें ड्राइविंग फोर्स होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब देखते हैं सिग्निफिकेंस क्या है डिस्ट्रीब्यूशन के सिग्निफिकेंस के बारे में। तो जो किसी भी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जो ड्रग हमारी फार्माकोलॉजिकल एक्शन प्रोड्यूस करती है, किसी भी ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो किस पे डिपेंडेंट होता है कि साइट ऑफ एक्शन पे हमारी कितनी ड्रग प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन, यही इसी से पता चलता है कि ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन कैसा होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी ड्रग के फार्माकोलॉजिकल एक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि डिसाइड करता है ड्रग के ऑनसेट ऑफ एक्शन के बारे में, ड्रग की इंटेंसिटी ऑफ एक्शन के बारे में एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। तो ऑनसेट ऑफ एक्शन मीन्स कि हमारी ड्रग कितने टाइम में एक्शन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है एंड उसका एक्शन कितना इंटेंस होगा और कितने टाइम के लिए रहेगा। तो ये किसी भी ड्रग के ये तीनों चीज़ें किस पे डिपेंडेंट होती हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइट ऑफ एक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूशन से ही हमारी ड्रग कहाँ पे पहुँचती है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज में, जहाँ की साइट ऑफ एक्शन प्रेजेंट रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हैज इम्पॉर्टेंट रोल इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ अ ड्रग। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में मेन टू स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला होता है परमिएशन ऑफ फ्री और अनबाउंड ड्रग इनटू इंटरस्टिशियल और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो पहले स्टेप में क्या होता है, फ्री और अनबाउंड ड्रग जो होती है ये हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंचती है। ये कैपिलरी वॉल को परमिएट करके ये हमारी पहुंचती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का पहला स्टेप है परमिएशन ऑफ फ्री और अनबाउंड ड्रग इनटू इंटरस्टिशियल और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एंड द सेकेंड स्टेप इज परमिएशन ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द ECF into the intracellular fluid। जब अब हमारी ड्रग कहाँ पहुँच गई, ECF में। सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमारा ब्लड से ड्रग हमारी कहाँ पे प्रेजेंट थी, ब्लड में प्रेजेंट थी। तो ब्लड से ड्रग हमारी कैपिलरी वॉल को परमिएट करके पहुँचेगी ECF में, देन ECF से ब्लड हमारी ECF को परमिएट करके पहुँचेगी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और यहाँ के जाके वो रिसेप्टर से बाइंड होगी और अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। और जो ये परमिएशन ECF से ड्रग का इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो परमिएशन होता है, यही होता है रेट लिमिटिंग स्टेप, डिस्ट्रीब्यूशन का रेट लिमिटिंग स्टेप ये होता है। तो अब इसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझ लेते हैं कि हमारी ड्रग कहाँ पे प्रेजेंट थी, ब्लड में प्रेजेंट थी हमारी ड्रग, ब्लड से ये कैपिलरी वॉल को परमिएट करके ड्रग हमारी पहुंच गई ECF में, देन ECF से ड्रग हमारी सेल मेम्ब्रेन को परमिएट करके पहुंच गई इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंचने के बाद ड्रग हमारी रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगी, ड्रग बाउंड टू रिसेप्टर, और वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी। तो ये स्टेप था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें सबसे पहले ड्रग हमारी सेल वॉल को परमिएट करके पहुंचेगी ECF में, देन ECF में पहुंचने के बाद वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हमारी ड्रग पहुंचेगी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जहाँ की वो रिसेप्टर से बाइंड होके अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी। तो ये था ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का इंट्रोडक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।